बताइए सर, क्या बता रहे थे आप? सर मैं यही बता रहा था, मैं फ्लिपकार्ट की तरफ से दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ सर। जी सर बताइए। सर आपके फोन पे पर फ्लिपकार्ट की तरफ से 7,999 का कैशबैक आया जो आपने अभी तक रिसीव नहीं किया है। फोन पे पर सर फ्लिपकार्ट की तरफ से दिया जा रहा है जी सर फ्लिपकार्ट की तरफ से। सर, तो ये कैसे मिला सर मुझे कैशबैक? सर आप अगस्त मंथ को Realme 8 Pro फोन ऑर्डर किया था। हाँ सर, नहीं और भी फोन पहले ऑर्डर किए थे लेकिन अगस्त में, हाँ अगस्त में किया था फ्लिपकार्ट से जी रियलमी सर का। आपने फ्लिपकार्ट की तरफ से बहुत सारा फोन ऑर्डर किया है सर, इसीलिए आपको इतना बड़ा अमाउंट कैशबैक दिया जा रहा है सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सर मेरे अकाउंट में सर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सर, मेरे अकाउंट में कैसे आएगा सर? सर आपने पेमेंट किस माध्यम से किया था? पेमेंट सर फोन पे से किया था, तो सर ये जो पेमेंट है आपको फोन पे पर ही दिया जाएगा सर। फोन पे। हाँ तो सर, तो भेज दिए सर फोन पे में, इसी नंबर पर फोन पे है ठीक है सर। सर, मैं अभी फोन पे पर सेंड कर रहा हूँ, आप फोन पे को एक बार खोलिए सर। ओपन करना पड़ेगा सर मुझे, जी सर ओपन करना पड़ेगा, उसको रिसीव करना पड़ेगा सर कैशबैक को। अच्छा रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है सर ओपन करता हूँ। जी सर खुल रहा है सर। खुल गया सर। हाँ सर यहाँ पे आ गया सर, फ्लिपकार्ट 7,999 जी सर। सर जी सर जी सर, वहां पर सर पे का ऑप्शन आ रहा है, हाँ देखिए। सर पे का, लेकिन सर पे सर क्या करना सर, पे पे क्लिक करना है, हाँ सर पे पे क्लिक करना है, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आपके अकाउंट में पे किया जाएगा लेकिन सर। सर ये बताइए पे पे सर क्लिक करूंगा सर मेरे अकाउंट से तो पे हो सकता है ना, क्योंकि फोन पे में तो पे करने से पैसा जा चला जाता है ना। नहीं, सर ऐसा नहीं होता है, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आपके फोन पे पर पे किया जा रहा है सर, आप पे पे क्लिक कीजिए। मेरे अकाउंट में सर कुछ दिक्कत तो नहीं होगा सर? नहीं ना नहीं, सर, सर कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप दबाइए दबाइए पेपर दबाइए जल्दी से सर। ठीक है सर दबा दिया सर। उसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है सर वहां पर सर देखिए। अब पे का ऑप्शन आ रहा है 7,999। हाँ सर वहां पर देखिए आपका अकाउंट डिटेल्स दिखा रहा है। हाँ अकाउंट डिटेल्स तो सर अभी शो कर रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक जी मेरा। जी जी सर, वो उसी उसी अकाउंट पे आपको पे करना है, ठीक है अमाउंट, तो पेपर दबाइए सर फिर से। सर मेरे अकाउंट से तो नहीं कटेगा ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं नहीं नहीं? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा सर, आप बिंदास दबाइए पेपर दबाइए जल्दी से सर। ठीक है सर दबा दिया सर। पिन मांग रहा है हाँ सर ये लेट, यूपीआई पिन आपको डालना पड़ेगा, देखिए सर ये फ्लिपकार्ट की तरफ से कॉल किया जा रहा है और इसमें कस्टमर को एक बार वेरीफाई करना पड़ता है यूपीआई पिन डाल के, ताकि ये फोन पे आपका है, ठीक है सर। लेकिन सर ये बात है, पिन सर डाल देते हैं तो सर मेरे अकाउंट से तो पैसा चला जाएगा ना, तो सर पिन नहीं तो नहीं नहीं सर, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सर वेरीफाई के लिए आपको यूपीआई पिन सर डालना पड़ता है, जैसे आप यूपीआई पिन डालोगे उसके बाद आपको वहां पर कैशबैक का ऑप्शन आएगा, सो कैशबैक पे क्लिक करना है, उसके तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा सर पूरा अमाउंट। नहीं सर, ये तो पिन तभी डाला जाता है जब बैलेंस चेक करना होता है या फिर किसी को पैसा ट्रांसफर करना होता है सर, ये प्रोसेस नहीं आप। नहीं सर, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से एक वेरीफाई है, आपको करना ही पड़ेगा सर, यूपीआई पिन डालना ही पड़ेगा तभी आपको ये कैशबैक मिलेगा सर, वरना आपको कैशबैक नहीं मिलेगा सर, इसमें मैं कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता हूँ सॉरी। सर लेकिन सर मुझे डर लग रहा है यार, ये यार एक बात था यार, तो आपका नंबर भी कंपनी का नहीं लग रहा है मुझे, और आप ऐसा प्रोसेस बता रहे हो कि यार मेरे अकाउंट से पैसा कट जाए यार, ये तो नहीं फ्रॉड नहीं लग रहा है यार सर, मैं मुझे। फ्लिपकार्ट की तरफ से दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ, अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ फ्लिपकार्ट कंपनी से। आप दबाइए सर, यूपीआई पिन जैसे डालोगे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आप अभी देखोगे सर, दबाइए जल्दी लेकिन से। सर मुझे शक हो रहा है सर, ये फ्रॉड लग रहा है मुझे कुछ। सर एक बात है, मेरा मेरे मेरे फ्लिपकार्ट में क्या नाम लिखा है मेरा, जरा एक बार चेक करके बताइए। जी सर 1 मिनट होल्ड कीजिए सर, 1 मिनट बताइए। सर, यहाँ पर अभिषेक नाम से आ रहा है सर, आप ही का नाम है ना अभिषेक। हाँ सर अभिषेक तो है सर, लेकिन आप लोग को इतना जानकारी, एक बात बताओ यार, ये तुम प्रोसेस बता रहे हो पैसा भेजने वाला, हो मेरा सही सही डिटेल भी बता रहे हो, नंबर तुम्हारा फ्रॉड है ये यार, तो तुम लोग कैसे कर रहे हो यार, ये डेटा कहाँ से निकाल रहे हो? ऐसा फ्रॉड नहीं बोल सकते, और ये जो डिटेल्स है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता सर, अगर आपको कैशबैक चाहिए तो आप यूपीआई पिन डाल सकते हो, अगर आप नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कर सकते हो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं चाहिए भाई, ये मेरे अकाउंट से कटने वाला है, क्या तुम बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? अब अबे नहीं यार, नहीं यार, कब से बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तुम डेटा कहाँ से निकाल रहे हो भाई? ये तुम्हारा वीडियो अब जाएगा कंपनी के पास, ठीक है? ये तुम जो अबे जो फ्रॉड, तू वीडियो बना रहा है, हाँ, ये वीडियो तू तुम्हारा बना जाएगा ले भाई, वीडियो बना के क्या कर लेगा तू, वीडियो तुम्हारा वायरल होगा, ये तुम्हारा नंबर भी वायरल होगा भाई, क्यों वायरल कर परेशान तू, क्यों तुझे हो? जो करना है कर ले, ठीक है। जो करना है कर ले, ठीक है? तुम देखो, तुम ये तुम्हारा नंबर बना तुम्हारी फट जाएगी, इतनी कॉल अबे जाएंगी तू ना, ये जो करना है कर सोशल, ले, वीडियो को जहां डालना है डाल ले, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं ये सोशल जिन मीडिया भाई, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे तुम्हारा नंबर जाने वाला है। अरे ये कॉल कट कर दिया। तो दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं, ये देख लीजिए दोस्तों, ये 100% फ्रॉड है दोस्तों, ये इस तरीके का वीडियो
आप लोगों ने शायद देखा होगा, लेकिन दोस्तों ये एक नया तरीका का दोस्तों चल गया है फ्रॉड, इससे सावधान है, सतर्क रहें और इस वीडियो को शेयर करता कि इस नंबर पर भी आप लोग कॉल करके इसको जो है बंदे को रोको आप सभी लोग दोस्तों।